जादुई कटोरा और सूखी रोटी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत किशन नाम के एक नौजवान लकड़हारे से होती है, जो जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता है, उसकी कुर्सी और अलमीरा बनाकर घर घर जाकर उन्हें बेचता है। उसके पास एक छोटा सा घर होता है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी दिन भर घर का काम करती है, वह भी उसकी पूरी मदद करता है और दोनों एक साथ हंसी खुशी जंगल में छोटे से घर में रहते हैं। एक दिन किशन लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता है। उसकी पत्नी ने उसे थोड़ा सा खाना बांध कर दिया होता है जो बुरे वक्त में उसके काम आए। तभी किशन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि एक घायल आदमी एक पेड़ के नीचे कर्रा रहा है। वह उसके पास जाता है। किशन तुरंत ही अपनी पोटली में से सूखी रोटी, नमक और अचार उस घायल आदमी को देता है और थोड़ी देर तक उसके पैर भी दबाता है। वह उसके लिए एक लकड़ी की कुर्सी भी बनाता है क्योंकि उसके कमर में बहुत दर्द होता है, और आगे आने वाले दिनों के लिए उसे थोड़ा सा अनाज भी देता है। उसके लिए आग जला देता है और उसे थोड़ा सा पानी पिलाकर उससे आज्ञा मांगता है। वह उसे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। अगले ही पल किशन गांव के रास्ते निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह लड़की उससे कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और इस जंगल में तपस्या कर रही हूँ। मुझे एक सुंदर नौजवान और ईमानदार से विवाह करना है। क्या तुम उससे विवाह करोगी? मेरे माता पिता एक महल के राजा रानी हैं। उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, ढेर सारा खजाना, सोने और चांदी की तिजोरियाँ। इसके बाद तुम्हें मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। किशन मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे घर में एक प्यारी सी और बहुत ही सुलझी हुई धर्म पत्नी है। मैं घर घर जाकर मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, जंगल जाकर लकड़ियाँ भी काटता हूँ, उससे कुर्सी, मेज़, अलमारी बनाकर लोगों को बेचता हूँ। पर्याप्त पैसे नहीं होते कि मैं अपना घर चला सकूं। इसके बावजूद मेरी पत्नी मेरे साथ हंसी खुशी रहती है। हमारे घर का खर्च चलाने के लिए वह अन्य घरों में जाकर झूठे बर्तन और दूसरों के लिए खाना भी बनाती है। इसके बावजूद वह बड़ी ही बेसब्री से मेरे घर वापस आने का इंतज़ार करती है। आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपके माता पिता तो महल के राजा रानी हैं, आप किसी से भी विवाह कर सकती हो। तुरंत एक अज्वलित प्रकाश के साथ एक साधु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है तुम उसमें संतुष्ट हो, उसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हो। मैं वही हूँ जिसकी तुमने जंगल में मदद की थी और एक खुशहाल जीवन को भी तुमने ठुकरा दिया। तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। ऐसा कहते ही उसके सामने मेज पे ढेर सारे पूरी पकवान और उसके लिए एक सुंदर सा महल प्रकट होता है और वे उसको एक सोने के जूते भी देते हैं। किशन अपनी पत्नी को घर आकर सारी बातें बताता है और कहता है अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, खाने से लेकर अच्छा मकान और ढेर सारे पकवान। इस बात की खबर एक दुष्ट लकड़हारे को पड़ती है। वह अपनी माँ से कहकर अपनी पोटली में ढेर सारी मिठाइयाँ, पूड़ी, छोले और खीर भरवा लेता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ चलता है और मन ही मन सोचता है जब सूखी रोटी पे इतना सब कुछ मिल रहा है तो ना जाने पूरी पकवान पे क्या क्या मिलेगा। तभी उसके सामने एक मृग आता है। मृग उसके खाने की खुशबू सूंघकर उसके पीछे आता है। तभी वह उसे फटकार कर वहाँ से भगा देता है। कुछ ही पल आगे चलने पर उसके सामने कुछ कुत्तों का समूह आता है। वह डंडे से उन्हें पीटकर भगा देता है। फिर एक भिखारी उसके सामने खाना मांगने आता है तो वह उसे भी भगा देता है। अपनी स्वादिष्ट पोटली खोलता है लेकिन खुलते ही उसके सामने एक घने बालों वाला, लाल आँखों वाला राक्षस आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने जिस मृग को भगाया और जिस भिखारी को भगाया वह मैं ही था। तुम्हें क्या लगा किशन की तरह तुम्हें भी सुंदर सा घर और खुशहाल जीवन मिलेगा? तुम इसके लायक नहीं हो। उसने तुरंत उसके पूरी पकवान को सूखी रोटी में बदल दिया और उसके सारे शाही पकवानों को दैत्य ने खाया और कहा कि तुम आजीवन इस जंगल में लकड़ियां काटोगे और मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करोगे। बेचारा लकड़हारा पछताता ही रह गया। उसकी बुद्धि उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई और गाँव में उसका उपहास उड़ा वो अलग। सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग story updates. Thank you for watching.